मैं हूं आपकी दोस्त प्राची राज और आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं संजीवनी लाइफस्टाइल के एक और प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूं कि जितने भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उन्हें इस प्रोग्राम से थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर मिल रहा होगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि आखिर मेहंदी के डिजाइन बनाए तो कैसे बनाए। तो दोस्तों, आज आपके सवाल का जवाब लेकर हम आए हैं इस प्रोग्राम में। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे मेहंदी लगाने के डिजाइन के बारे में। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि आप कैसे अपने हाथों में प्यारे प्यारे डिजाइन बना सकते हैं। उसके लिए हम आज आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे ज्योति गुंड जी से। ये आज आपको मेहंदी के कुछ ऐसे डिजाइन बताएंगे जिनका क्रेज आजकल यूथ में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, यानी कि टैटू से मिलता जुलता डिजाइन। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। ज्योति जी, आप हमेशा हमारे दर्शकों को बताती हैं कि कैसे मेहंदी लगाया जाए, कैसे उसका घोल बनाया जाए। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें कम से कम मेहंदी बनाना आ गया होगा, कुप्पी कैसे तैयार की जाती है वो आ गया होगा, और डिजाइंस भी बनाना थोड़ा बहुत सीख गए होंगे। तो वैसे आजकल यूथ में टैटू को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज देखा जा रहा है। वो लोग टैटू बनवाते हैं, नेक पे बनवाते हैं, अपने आर्म्स पे बनवाते हैं, बैक पे बनाते हैं, शोल्डर्स पे बनवाते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है वो। तो लेकिन मेहंदी ऐसी चीज है कि आप उससे एग्जैक्टली टैटू तो नहीं, लेकिन हाँ टैटू से टैली करता हुआ, मैच करता हुआ डिजाइन आप अपने आर्म्स पे बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको टैटू से मिलता जुलता थोड़ा डिजाइन अगर बताएं तो क्या बात है। जी, thank you.
ज्योति जी, मैं अपनी तरफ से और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आपने उनको इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन बताया मेहंदी के, और मैं चाहूँगी कि आप आगे भी इसी तरह से हमारे दर्शकों को गाइड करते रहें जी, मेहंदी कैसे लगाया जाए। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ और उम्दा डिज़ाइनों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा, नमस्कार।